राष्ट्रपति की खारिज दया याचिका को निर्भया के दोषी मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि प्रासंगिक दस्तावेज राष्ट्रपति के सामने ही न रखे गए हों। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 1 फरवरी को मुकेश की फांसी तय है। निर्भया के दोषियों की बचने की कोशिश, कोशिशों के बीच दोषी मुकेश को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मुकेश की याचिका। 1 फरवरी को मुकेश की फांसी तय। कानूनी हथकंडों को अपनाते चले जा रहे निर्भया के दोषी मुकेश को बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक चारों आरोपियों को 1 तारीख को फांसी होनी है, जिसमें मुकेश की फांसी पक्की हो गई है। एक गाइडलाइन शत्रुघ्न चौहान की आई थी कि उनको जुडिशियल रिव्यू में सुना जा सकता है, कोई मेरिट नहीं थी। प्रॉपर तरीके से माननीय जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने इनकी मर्सी जो इनका रिव्यू पिटीशन था वो डिसमिस किया है, और उन्होंने बताया है कि प्रॉपर तरीके से प्रोसेस के थ्रू ये गए हैं, सुना गया, कोई मेरिट नहीं थी तो इसलिए डिसमिस कर दिया। तो जो 4 कन्विक्टेड में से मुकेश सिंह था, अब उसके पास कोई भी रिलीफ नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी उसको रिलीफ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लास्ट था जुडिशियल रिव्यू। हाँ नहीं, हमारा प्रयास है, हमारी कानूनी लड़ाई है, हम कानूनी लड़ाई अपने फैक्ट, तथ्यों, सबूत, गवाहों के आधार पर लड़ रहे हैं। हमें पता है हमारे तथ्य, सबूत, गवाह अच्छे हैं, लेकिन जनमानस, मीडिया प्रेशर, पब्लिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर हमारे साथ नहीं है। आगे कोई विकल्प बाकी है? हाँ, आगे विकल्प बाकी है। दरअसल आरोपी मुकेश ने एक बार फिर फांसी से बचने की कोशिश की, जिसमें उसने राष्ट्रपति के जरिए खारिज हुई दया याचिका को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए विचार करने को कहा कि गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति के सामने सभी दस्तावेज नहीं रखे थे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि कोई सबूत नहीं है कि प्रासंगिक दस्तावेज राष्ट्रपति के सामने नहीं रखे गए थे। हमने खुद को संतुष्ट करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे गए सारे दस्तावेजों को देखा, गृह मंत्रालय ने सारे दस्तावेज भेजे थे। वहीं मुकेश ने इस याचिका में इस बात का जिक्र भी किया था कि उसका जेल में यौन उत्पीड़न हुआ था और उसके भाई राम सिंह की हत्या की गई थी, जहां कोर्ट ने कहा कि जेल में प्रताड़ना दया के लिए कोई आधार नहीं है। इसके बाद मुकेश की याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद याचिका खारिज हो गई। वहीं फैसला आने के बाद निर्भया की मां का कहना है कि अब मुझे उम्मीद है कि पूरा इंसाफ मिलेगा, फैसले सही हो रहे हैं, कोर्ट भी समझ रहा है, सब समझ रहे हैं कि नहीं ये जानबूझ के ऐसे एक एक करके पटिशन कर रहे हैं, केस को डिले कर रहे हैं, तो कोर्ट भी अपना काम कर रहा है और मुझे पूरा उम्मीद है कि इनको 1 फरवरी को फांसी हो जाएगी। बता दें कि 7 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों को 22 जनवरी सुबह 7 बजे फांसी पर लटकाने की तारीख तय की थी, लेकिन दोषी मुकेश ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगाई, जहां राष्ट्रपति कोविंद ने निर्भया के दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी किया, जहाँ अब चारों दोषियों को 1 फरवरी सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।